चला, सब ही खेले हैं भला, सदियों से खेल चला, सब ही खेले हैं भला, पर हम क्या खेले देखो, होंगे खिलाड़ी बड़े पर हम भी डट के खड़े, एक पल की चूक नहीं हो दौड़े। प्लीज गेट इन। यहीं पे अगर बात करी जाए, आप देखिए तीनों, मैं बोलूंगा बहुत परफेक्ट तरीके के डिसमिसल्स देखने को मिले, दो पोल डाइव्स देखने को मिले, एक स्काई डाइव, और हाँ जैसे कि आपने बात करी, फायदा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुजरात को ही हुआ है, रिव्यू भी खोया जा चुका है, तो दिक्कतें हुई हैं। लेकिन ये चतुराई देखिए, एक बार के लिए लगा था कि पहले बाईं ओर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये स्काई डाइव इन्होंने करी और 9 अंक टीम के पास आ चुके हैं। क्या पहला ड्रीम रन देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी बाजी विशाल के हाथ में है, पोल से दूर रहिए थोड़ा सा, डिफेंडर बॉलर, दो पॉइंट कमा लिए हैं अब ओडिशा जगरनॉट्स ने, ढाई मिनट के बाद मिलते हैं दो पॉइंट, उसके बाद हर 30 सेकंड पे दो दो पॉइंट जुड़ते जाते हैं, ड्रीम रन बड़ा होता जाता है। ये है अनिकेत पोटे जिनकी टीम गुजरात जायंट्स भिड़ रही है ओडिशा जगरनॉट से, और ये हमने पहली बार देखा है कि अटैकर डिफेंडर के ऊपर से निकल गए, टच पैर से हुआ था, परंतु अल्टीमेट खोखो के नियमों के अनुसार अगर आपका हाथ आपके विरोधी डिफेंडर को टच होता है तभी आपको पॉइंट मिलते हैं, इसीलिए पीछे खड़े डिफेंडर आश्वस्त थे। से पहले कि आप सोचे डिफेंडर्स कुछ समझ पाते, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, मुझे लगता है ये पावर प्ले जो लिया गया ये बहुत सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन था, और इसी डिसीजन ने बहुत ही ज्यादा जल्दी इस टर्न के अंदर यू नो खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इससे पहले आप देखिए कुछ भी उनके दिमाग में आता, आउट की उंगली ही उठी है बस। इस पावर प्ले के हीरो थे टीम के वजीर नंबर 21 जो है जगन्नाथ मुर्मू, 3 में से 2 टच जगन्नाथ मुर्मू ने किए, और दिलीप खांडवी के लिए खांडवी ढोकला पापड़ा जलेबी सब कुछ आज उनको डिनर में मिलने वाला है। 6 पॉइंट का ड्रीम रन पूरा किया है दिलीप खांडवी ने, वो भी तब जब सामने पावर प्ले था, पावर प्ले के समय अगर आपने 3.5 मिनट बिता लिए हैं प्रभु, तो 6 नहीं आपको 12 पॉइंट मिलने चाहिए। ये मैच उड़ीसा जगरनॉट्स की मुट्ठी में बहुत मजबूती से आ चुका है, ड्रीम रन नहीं पूरा कर सकते, यानी गुजरात जायंट्स अब इस मैच में पॉइंट नहीं कमा सकते, यानी कि उड़ीसा जगरनॉट्स ने इस मुकाबले को अनौपचारिक तौर पर जीत लिया है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेकेंड और बिताने हैं, जगरनॉट्स वो पहली टीम बन गई है जिसने अल्टीमेट खोखो में गुजरात जायंट्स को हराया है, और गुजरात जायंट्स हारने के बावजूद लीग टेबल में एक पॉइंट लेकर गई है।